क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना इज इनकॉन्सिस्टेंट देन के इक्वल्स टू, तो हमें सिंपली के का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो हमें यहां पे दिया हुआ है कि ये दोनों जो हैं वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। इन कंसिस्टेंट चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी में हमारा दिया है। इनकंसिस्टेंस का मतलब है कि दो लाइन जो होते हैं जब पैरेलल होता है तब वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज वो कंसिस्टेंट होता है, ये आपने पढ़ रखा है। और जब पैरेलल होता है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। जब कोई भी दो लाइन जो है अगर इनकंसिस्टेंट होगा इसका मतलब वो पैरेलल है, और पैरेलल है इसका मतलब कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। क्या इसमें कुछ पूछा हुआ है, बिल्कुल नहीं पूछा है, हमें तो के का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। और इनकंसिस्टेंस का पैरेलल होने का एक और इक्वेशन के फॉर्म में हमने समझ रखा था, फॉर्मूला के फॉर्म में समझ रखा था कि उस केस में A1 by A2 जो होगा वो B1 by B2 के तो इक्वल होगा, लेकिन वो इक्वल नहीं होगा किसके, C1 by C2 के। ये A1 B1 A2 B2 C2 होता क्या है सर, होता क्या है, तो लेट अस सपोज अगर हम लोग करें कि हमारे पास एक इक्वेशन है A1X प्लस B1Y प्लस C1 इक्वल्स टू जीरो, और हमारे पास है A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो। अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर इक्वेशन जो है अगर इस फॉर्म में है, तो फिर ये जो एक्स का जो कॉफिशेंट होगा ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये Y का जो कॉफिशेंट होगा ये B1 और B2 होगा, और जो सिंपली जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या होगा, C1 और C2 होगा। जैसे अगर इसको पकड़े हम लोग, इसको पकड़े तो हमारे पास क्या है, दैट इज 3X प्लस Y इक्वल्स टू 1, ये इक्वल्स टू 1 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए बस हम लोग लिख रहे हैं -1 इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2K माइनस 1 इंटू एक्स, है ना, 2K माइनस 1 इंटू एक्स प्लस प्लस के माइनस 1 इंटू वाई, के माइनस 1 इंटू वाई। अब ये वैल्यू जो है इक्वल्स टू के इस साइड में है, अगर इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में, यानी कि हम लोग सिंपली लिख सकते हैं माइनस 2K प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा टर्म इधर आएगा किसमें, माइनस वाले टर्म्स में। अगर हम लोग देखें तो ये जो इक्वेशन है कुछ इस जैसा नहीं है, जहां A1 के प्लेस पे 3 है हमारे पास, x तो x जैसा है, y के प्लेस पे y है, इसको 1y भी लिखा जा सकता है, यानी B1 के प्लेस पे कितना है, सिंपली 1 है, C1 के प्लेस पे कितना है, दैट इज -1 है, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है, तो C1 के प्लेस पे कितना हो गया, -1 हो गया। उसी टाइप से A2 के प्लेस पे कितना हो गया, ये नंबर A2 है, B2 के प्लेस पे ये है, और C2 के प्लेस पे -2K+1 है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ गई ना। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, हमें निकालना क्या है, K का वैल्यू हमें दिया है कि इतना इक्वल है इतने के, बट ये इक्वल नहीं है इसके, तो हमें K का वैल्यू फाइंड आउट करना है, K इक्वल्स टू बताना है, तो हम लोग इसको मेनली लेकर चलेंगे। अगर हमसे पूछा कि K का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, अगर हम ऐसे देता के के इज नॉट इक्वल्स टू, तो हम लोग को या तो इसको सॉल्व करना पड़ता है या तो इसको सॉल्व करना पड़ता, हमें इक्वल्स टू पूछा है कि किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आइए A1, A1 का वैल्यू किसका होगा, यही हमारा A1 है, दैट इज 3 डिवाइड बाय A2, A2 किसके जैसा है, दैट इज 2K-1 इक्वल्स टू B1 by B2, B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू 1 है सर, तो हमने 1 पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय B2 किसके जैसा है, ये K-1 जैसा, K-1 इज नॉट इक्वल्स टू, इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहीं से हमारा K का वैल्यू मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 इससे सिंपली मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 × K-1 इक्वल्स टू, ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2K-1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × K दैट इज 3K-3 इक्वल्स टू 2K और -1, कितना -1, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, 3K-2K दैट इज K इक्वल्स टू इधर -1, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, इधर गया तो प्लस में, तो सिंपली K इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2-1 सॉरी यहां 3 हो गया ना, एक सेकंड, ये -3 इधर आया तो +3, 3-1 दैट इज 2, यानी K का वैल्यू कितना आया, दैट इज 2, कितना है K का वैल्यू, 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मतलब हर एक पार्ट को मैं खोल कर रख दूंगा हर एक क्वेश्चन में, इसीलिए हमने क्वेश्चन वाइज यहाँ पे सीरीज बना रखा है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर आप चेक कर लोगे।